हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने अपना चैनल फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है और मैं आपको आज फर्स्ट ब्लॉग दिखाऊंगी अबाउट पटना बेस्ट चीपेस्ट बर्ड मार्केट के। पटना की बर्ड मार्केट के यहाँ पे बहुत सारे तरीके के बर्ड्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं। तुम तो एंट्री देना बंद करो। यहाँ पे डॉग मार्केट, यहाँ पे हर तरीके का डॉग मिलता है। पटना का डॉग मार्केट है जहाँ पे आपको हर तरीके के डॉग्स मिल जाएंगे। हमने पहले शॉप से पूछा जहाँ पे उन्होंने प्राइस बताया अबाउट 1300। यहाँ पे तो आप लोगों को प्राइस ऑफ कोर्स डबल करके बोलते हैं। इट्स अब ऑल अबाउट आवर बार्गेनिंग स्किल्स, के हमारे बार्गेनिंग स्किल्स कैसे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें बहुत तरीके के जानवर दिखेंगे, कुत्ते, बिल्ली, कौवा, तोता, आई गेस सब कुछ, खरगोश, हैमस्टर, एवरीथिंग। देखिए बर्ड्स हैं, ये बिग पैरट्स हैं, तोता देखना है, ये फिर से बर्ड्स और ये स्मॉल बर्ड्स, पता नहीं क्या कहते थे। ये देखिए क्यूट सा एक पोमेरियन भी यहाँ पे। तो डॉग्स भी बहुत अलग अलग ब्रीड्स के अवेलेबल थे। और आइए आगे देखते हैं, ये भी पैरट्स हैं यहाँ पे, बर्ड्स, हैमस्टर्स, रैबिट, एवरीथिंग यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। आई गेस पिंजरे भी यहाँ पे मिलते हैं आपको अवेलेबल। नहीं देखिए बेबीज, पैरट बेबीज, और ये ऊपर पिंजरे देख सकते हैं आप। यहाँ पे पिंजरे भी बिकते हैं, आप तोता खरीद के बाद पिंजरे भी खरीद सकते हैं साथ में। और यहाँ पे पिंजरे का प्राइस भी ये मुझे जेन्युइन लगा। ठंडा नहीं, सबको ठंडा नहीं लगता होगा वैसे। लगेंगे ना क्या लगता है? चलो सब बैठ आएगा। ये देखिए क्यूट क्यूट पपी। यहाँ पे हर तरीके के तोता अवेलेबल से। इवन यहाँ पे लोग अपने पाले हुए कुत्तों को भी यहाँ पे लाके बेच देते हैं। आई डोंट नो क्यों बेचते हैं, बट जिसके कारण बहुत चिड़चिड़े भी हो गए हैं। यहाँ कर एक चीज़ तो फीलिंग आई मुझे कि हमें कभी भी कोई एनिमल्स को पालते हैं तो उन्हें कभी भी वापस छोड़ नहीं आनी आना चाहिए। कोई फिर वो एनिमल हो या फिर कोई आई मीन कोई डॉग हो या फिर कुछ भी हो, हमें उन्हें वापस छोड़ना नहीं चाहिए। उन्हें बीमारी है तो हमें दिखाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको तभी यहाँ से कोई एनिमल लेके जाना। और यहाँ पे पैरट्स की बात करो तो यहाँ पे पैरट की बेबी के जितने छोटे बच्चे उतने कम प्राइस पे लोग अवेलेबल करा रहे हैं। क्या चीज़ आप लोग खिलाते हैं? कहाँ से खिलाते हैं? तो चाहते हाथ से भी खिला सकते हैं, शरीर से भी खिला सकते हैं। तोता का बच्चा है, यहाँ देख सकते हैं आप कबूतर। ये अलग अलग तरीके के स्वान है शायद, ये बड़े बड़े मुर्गे धीरे धीरे ना धीरे धीरे शायद कहते हैं, शायद आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमें सारे बर्ड्स देखे देख सकते हैं आप, मिल जाएंगे और उनके खाने भी मिलेंगे। तो मेरा एक सजेशन है कि अगर आप ऐसे जो भी एनिमल्स को ले जाना चाहते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाल सकें, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सके तभी रहिए, ये चाहिए आपसे। तो हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहिए एनिमल्स के लिए। एक शॉप मिला जहाँ का प्राइस भी हमें थोड़ा सही लगा और बच्चे भी अच्छे थे, कि अच्छे खासे उन्होंने ध्यान रखा था बच्चों को। इन लोगों के अकॉर्डिंग तो बच्चे खाना हमेशा मांगते, बट मुझे ऐसा लगता है कि
एटलीस्ट इसमें 3 बार तो पन्ना देना चाहिए। देखिए आपके यहाँ पे अनाज भी है अलग अलग तरीके के, जो कि 60 रुपीज़ किलो है अराउंड, और सनफ्लावर सीड भी है यहाँ पे जो कि 130 रुपीज़ किलो था, और बहुत सारे तरह के दाने थे यहाँ पे, कॉर्न के दाने थे। ये यहाँ पे बाहर की जो है ऐसे बैठे होती है, बाहर से आते हैं कम प्राइस के देते हैं, आप इनको हाफ प्राइस पे मांग सकती है, दे देंगे आपको। और फाइनली हमें हमारा डोडो मिल चुका है, हमने इसका नाम डोडो रखा है, इसलिए डोडो बुला रहे हैं, और हम इसके अच्छे से ध्यान रखने के लिए इसे ले जाएंगे अच्छे से। और अगर आप बेबी नहीं आए तो मुझे अपने साथ एक शॉल या फिर एक चंदन लेके आए, पूछेगा तो मिलेगा, 15 तो मिलेगा, कब तक बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अब आप आ सकते हैं पटना के बर्ड मार्केट पर, बर्ड्स को परचेज कर सकते हैं, बी रिस्पॉन्सिबल।